2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा असमंजस आखिरकार समाप्त हो गया। दिल्ली में चुनाव आयोग की कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव की घोषणा कर दी गई। चुनाव की तारीख घोषित होते ही सूबे भर में आचार संहिता भी लागू कर दी गई, जिसके चलते जिला बिजनौर में भी जिला प्रशासन आचार संहिता लागू होते ही हरकत में आ गया। दरअसल बिजनौर में दूसरे चरण में 15 फरवरी को चुनाव होना है और 11 मार्च को मतगणना होनी है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने आचार संहिता लागू होते ही जनपद भर में अभियान चलाते हुए राजनीतिक पार्टियों के चुनावी होर्डिंग्स और बैनर उतरवा दिए। हालांकि जिला प्रशासन पहले ही सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश दे चुका था कि अपने प्रचार संबंधी बैनर पोस्टर हटवा लें, लेकिन अब आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने खुद ये बैनर पोस्टर और होर्डिंग्स हटवा दिए। बिजनौर के साथ धामपुर, नजियाबाद और सिहारा में भी पुलिस की मौजूदगी में सघन अभियान चलाते हुए अतिक्रमण हटवाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन अधिकारियों ने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बताते चलें कि इस संबंध में जल्द ही प्रशासन राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकर दिशा निर्देश जारी करेगा। आज 12 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने चुनाव की अधिसूचना लगने की सूचना दी थी, तो 24 घंटे के भीतर भीतर जितने भी पोस्टर बैनर वगैरह जो लगे होते हैं उन्हें हटवाना होता है, उसी के क्रम में इन्हें हटवाया जा रहा है। जी, मतलब हाँ, जनरल प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कुछ जो पोस्टर बैनर हैं तो वो नेता विशेष के स्वयं लोग आके उतार रहे हैं, जहाँ पे किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है वहाँ पे हम हटवा रहे हैं। आज से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। पूरी दीवार पर बैनर फ्लैक्सी होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं तथा सभी लोग उनको उतार रहे हैं। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जितने भी राजनीतिक पार्टियों में पोस्टर बैनर लगाए गए हैं वो आचार संहिता का पालन करते हुए उनको उतरवाया जा रहा है। शहर से पूरी जितनी होर्डिंगें लगी हैं जो भी पोस्टर है सब 24 घंटे के अंदर उतरवा कर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन।